भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी की जोड़ी सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक है। दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन अब खेसारी लाल यादव और काजल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में काजल ने कहा कि उसके स्टारडम में खेसारी लाल यादव का नहीं बल्कि पवन सिंह का योगदान ज़्यादा है। काजल ने कहा कि आजकल मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मैंने अब कड़ी मेहनत से हासिल किया है। मुझे खेसारी लाल यादव या किसी अन्य कलाकार के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव हर जगह मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच खेसारी लाल यादव ने फेसबुक लाइव कर अपने खिलाफ साजिश रचने वालों को जमकर कोसा है। लाइव के दौरान कई बार वे भावुक हुए और रोते हुए भी नजर आए। फेसबुक लाइव में खेसारी ने कहा, मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मुझे दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बना देंगे। जितना प्यार सुशांत को बॉलीवुड से मिला था कुछ वैसा ही और उतना ही प्यार मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले दे रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं और जितने का मेरी जनता ही है जो मुझे प्यार करती है, तो दिल से प्रणाम आप सबको कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, और दुनिया नहीं हो सकती मेरे खिलाफ। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत दूसरा बनाने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। जितनी सपोर्ट हिंदी इंडस्ट्री से सुशांत सिंह राजपूत को मिला था, वही भर भर के प्यार मुझे पूरी इंडस्ट्री देने की कोशिश में लग गई है। अच्छी बात है, लेकिन मैं उतना कमजोर हूं नहीं, क्योंकि मेरे पास आप सबकी मोहब्बत है। आजकल मेरा नाम कोरोना पॉजिटिव की तरह हो गया है। गलती से कोई नाम मेरा ले भी लिया तो पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है। लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग नाम लेते ही उनको भी इतनी मिर्ची लगने लगती है। बट कोई नहीं है, ठीक है। मैं सुशांत सिंह राजपूत के गांव से हूं जरूर, उस बिहार से हूं जरूर, उस पटना से जरूर हूं, छपरा से हूं, एक बिहारी हूं, बट मैं कमजोर नहीं, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान की जनता जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत में हूं मैं। इन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे बारे में सोचते ही नहीं। और अच्छी बात है, अब हमेशा बढ़िए, हम सबके लिए दुआएं करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से खेसारी लाल और काजल के मतभेद सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब लगने लगा है कि 9 अप्रैल को रिलीज होने वाली भोजपुरी फिल्म डिट्टी चोखा दोनों की आखिरी फिल्म साबित होने वाली है। न्यूज डेस्क।